नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही है बहुजन समाज के, नहीं पूरे देश के बहुत अच्छे प्रिय वक्ता भी हैं और बहुत प्रिय व्यक्ति भी हैं, अशोक जी। अशोक जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद एसएम न्यूज़ से, और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। कम से कम समाज की न्यूज आगे पहुंचाते हुए हमारी न्यूज को कौन पहचानता है। अशोक जी, एक बात बताइए, आज देश के अंदर जो जनसंख्या है वो 85% बहुजन समाज की बताई जाती है ना, और बहुजन समाज के लोग अपनी जाति को छुपाते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग अपनी जाति बताते हुए क्यों कतराते हैं, उसके बारे में बताएं। वो पिछड़े इसलिए रहे हैं जो जाति छिपाते हैं। जिस दिन ये जाति छिपाना बंद कर देंगे, खुल के सामने आना चालू कर देंगे, तो बहुजन समाज बहुत आगे बढ़ेगा। 85% लोग ऐसे नीचे बैठे हुए हैं, 15% आगे आए हुए हैं, कहते हैं कि भाई राज ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे 85% छिपाने की वजह से वो राज कर रहे हैं। अगर वो छिपाना बंद कर दें, खुलकर सामने आए और कोई सब काज को छोड़ दें, लेकिन एससी एसटी नाम लें, तो राज हम करेंगे। जब राज करेंगे तो कोर्ट भी हमारे होंगे, जजमेंट भी हमारे होंगे और डिसीजन भी हम ही लिखेंगे। छिपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं मान लो एक सरकारी आदमी हूँ और मेरी कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या मेरी कहीं पदोन्नति हो जाती है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा सबसे पहले उनको पहले पता लग जाएगा कि मैं किस कास्ट का हूँ, और वो सब जानते हैं कि मैं किस कास्ट का, वो पहले से पहले पूछ के रखता, तो मेरे छिपाने का कोई औचित्य हुआ या नहीं हुआ? नहीं होता ना। ऐसे मैं मान लो शकरपुर में रहता हूँ, कल मैं जनकपुरी में मकान ले लूँ, और जनकपुरी में जब मैं मकान लूँगा वहाँ मैं जाऊँगा पहुँचूँगा, तो अड़ोसी पड़ोसी मुझसे पहले पूछेंगे कि जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं शकरपुर से आया हूँ, यहाँ मकान क्या नाम है? क्या नाम है जी आपका? अशोक नाम है। फिर पूछेंगे जी सरनेम क्या है, यदि आपकी कास्ट क्या है, तो उसको अगर दूसरे आदमी को हमारी कास्ट पता होगी तो हमारे सामने वो कभी गाली नहीं दे सकता, आप शब्द नहीं बोल सकता कास्ट को, और ना ही उसके बारे में वो कोई बुरा। जब आपके बारे में पता ही नहीं है और आप 10 बार लोगों में बैठे हो, चाहे सरकारी में बैठे हो, चाहे प्राइवेट में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो वो ना पता होने के कारण आपकी कास्ट पर उंगलियाँ उठाएंगे। तो अपनी जाति को गर्व से बताना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अशोक कुमार हूँ, और मैंने सरनेम को वैसे जाटव, और मैं अब एससी एसटी बोलता हूँ, एससी बोलता हूँ, क्योंकि वो भी एक बंटवारा है जाटव से। मुझे भी एक बार मनोज अंतानी जी ने घेर लिया था पार्लियामेंट पे कि आपने बॉर्डर जाटव क्यों लगा रखा है, और जाटव पकड़ तहसील संघ का, तो मुझे भी उनसे यही कहना पड़ा। एक ट्रांस यमुना की एक सोशल एसोसिएशन है जिसमें हमने जाटव नाम दे रखा है, पर हमें देना नहीं चाहिए, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ उसको। एससी एसटी सब एक होने चाहिए, उसमें सब कास्ट को हटा देना चाहिए, और एक दूसरे से रोटी बेटी का करना चाहिए। भाई हम रोटी एक साथ खा रहे हैं, अपनी बेटी के साथ ही दूसरे उसमें कर रहे हैं सब कास्ट में, तो फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा। और गर्व से कहो हम जरूर कास्ट हैं या एसटी हैं एससी हैं, उसी में फ़ायदा है। छिपे रहोगे तो पहले जैसे मार खाते रहते थे, अब भी खाते रहेंगे। मैं तो खुल के रहता हूँ, आज मेरे जेब में पेन नहीं है, बाबा साहब का पेन लगा रहता हूँ हमेशा, और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। जब मेरे जेब लगा रहता, आज गलती से मैं भूल गया, आइडेंटिटी अपने अपने लगे रहते हैं, मेरा पेन है उसके ऊपर बाबा साहब की फोटो लगी, और जहाँ मैं बैठता हूँ अपने उसमें मेरे पीछे बाबा साहब की फोटो, और वो मेरे डीपी पे लगी हुई है। आप मेरे डीपी पे अपने व्हाट्सएप देखेंगे पीछे लगे, तो मेरे से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है और ना मेरे से करता, लेकिन मैं ज़रूर लोगों को ये संदेश दूंगा कि जात को ना छिपाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, अपनी सभी जाति जनजाति भाइयों से, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कहता हूँ कि कभी अपनी जाति को ना छिपाओ, गर्व से कहो। और लोग भी तो गर्व से कहते हैं मैं त्रिपाठी हूँ, मैं पंडित हूँ, उनमें से दो ही हैं पंडित हैं बनी हैं, इसलिए लोग अपनी जात को बिल्कुल खुल के बोलो और खुल के बताओ। मेरी तो यही है सुरेंद्र जी, और कुछ पूछना चाहोगे? आप जो है डायरेक्ट अशोक कुमार जी, जो अपनी जाति कभी नहीं छुपाते हैं, और छुपाएं किस बात के लिए, गर्व से कहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अगर अपनी जाति को छुपाते तो आज बहुजन समाज का उद्धार नहीं हो पाता। जितने नेता अभिनेता बने हुए हैं, अगर वो अपनी जाति को बताते हैं तो सब श्रेष्ठ ऊपर हो जाते हैं। तो आप अपनी जातियों को ना छुपाएँ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जाति विशेष के ऊपर ये वीडियो सारे देश में सारी दुनिया में पहुँच सके। ऐसे में से बात करने के लिए सबका धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करें कि आप जो हमारे कोई न्यूज़ वाले भी नहीं है, हमारे जितने न्यूज़ वाले हैं यूट्यूब के, इन्हीं की वजह से हमारा ये प्रचार भी हो रहा है जाति का, अन्यथा कौन दिखाता हमारे लिए? आप कितने अच्छे काम कर लो, कोई न्यूज़ वाला नहीं दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी एट्रोसिटी में हम 4 लोग हैं वहाँ लगे हुए, सबकी न्यूज़ चलती रहती है, हमारे को कोई नाम ही नहीं लेता वहाँ पर। क्यों? कि वो सोचेंगे भाई इन्होंने केस लगा दिया है, हाईलाइट हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो इसलिए जाति बताओ, खुल के बताओ, और कहीं भी कोई पूछता नाम पूछता तो मैं पूरा नाम बताओ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।